नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत में इसमें सभी यूनिवर्सिटियों, सभी कॉलेजों में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो अंतिम वर्ष यानी तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएँ कराई जा रही हैं। हालाँकि कई यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष की भी परीक्षाएँ कराई जा रही हैं बीए, बीएससी, बीकॉम की। प्रमोशन कुछ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को हुआ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को हुआ है। तो जो भी अंतिम वर्ष या फिर सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए मैं खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ, जो कि इस बार कई यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस बार कई यूनिवर्सिटी में 2021 में लॉकडाउन के बाद जो इस समय पेपर चल रहे हैं कई यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं और कई यूनिवर्सिटी में बाकी हैं। ठीक है, तो जो हो चुके हैं उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार और किस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम पूछा गया है, अभी जब परसों एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। लिखा है कि त्रिलोचन किस युग के कवि थे। ये जो मुझको पूरा जो क्वेश्चन पेपर मिला था, तो क्वेश्चन पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उसे मैंने टाइप करके आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि दो दिन पहले मैंने परसों ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर सहित इंक्लूड किया था। उन सभी क्वेश्चन पेपर जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार का था। सारे क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, लिखा है त्रिलोचन किस युग के कवि थे। ऑप्शन मिल जाएगा प्रयोगवाद, बी नंबर प्रगतिवाद, सी नंबर छायावाद और डी नंबर द्विवेदी युग। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल ही गए हैं। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी होगी। त्रिलोचन जी किस युग के कवि, वो है प्रगतिवाद के। ठीक है, आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है इस सीरीज में देखते हैं, जो पूछा गया था। लिखा है कि त्रिलोचन ने किस पत्रिका में काम किया था। ऑप्शन मिल जाएगा मतवाला, बी नंबर सरस्वती, सी नंबर हंस और डी नंबर प्रताप। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिना देरी के मैं आपको बता दूं, त्रिलोचन ने जो पत्रिका का काम किया था उसका नाम है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हंस में। ठीक है, हंस पत्रिका में, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ सकता है आपकी, क्योंकि पूछा भी गया है कई यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था या फिर जन्म हुआ था। ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा घुमा फिरा के हो सकते हैं लेकिन मतलब उनका एक ही रहेगा। ऑप्शन मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और डी नंबर राजस्थान में। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो थे उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि गीत फरोश के रचनाकार हैं। ऑप्शन मिल जाएगा मुक्तिबोध, बी नंबर त्रिलोचन शास्त्री, सी नंबर भवानी प्रसाद और डी नंबर अज्ञे। ठीक है, तो गीत फरोश के जो रचनाकार हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लेकिन मानसर के हैं इन्हें हूँ बीच से लाया, ये पंक्ति है एक, लेकिन मानसर के हैं इन्हें हूँ बीच से लाया। भवानी प्रसाद का यह काव्यांश किस कविता का है। ऑप्शन मिल जाएंगे नई इबारत का, बी नंबर फूल कमल के, सी नंबर सन्नाटा, डी नंबर है सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भवानी प्रसाद का यह काव्यांश जो है वो फूल कमल के जो कविता है उसका है, जो ऑप्शन है इसमें फूल कमल के। हो सकता है कि इसमें आंसर आपको मिल जाएगा कमल के फूल, तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही कविता है, उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत और कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सन्नाटा कविता के लेखक हैं नंबर एक मुक्तिबोधी, बी नंबर अज्ञे, सी नंबर त्रिलोचन, डी नंबर भवानी प्रसाद। तो सन्नाटा कविता के जो लेखक हैं वो हैं भवानी प्रसाद जी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से कि क्वेश्चन रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं अगर आपका एग्जाम है तो। ठीक है, और अगला आप क्वेश्चन है कि नदी में द्वीप कविता के लेखक हैं, एक नदी में द्वीप कविता है जिसके लेखक। ऑप्शन मिल जाएगा नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञे, धूमिल। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञे। ओके, अज्ञे हैं नदी में द्वीप कविता के लेखक।
ऑप्शन अगला अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम आप सभी को मालूम ही होगा, बहुत ही ये आपका आइकॉनिक आइकॉनिक आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया और जनरली आप सभी को मालूम भी होगा कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिना देरी के मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ध्यान रखिएगा जिनको नहीं मालूम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक के तार सप्तक के संपादक थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगातार कई एग्जाम में पूछा जा चुका, लगातार हर साल पूछे ही जाते हैं तार सप्तक से क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है कि तार सप्तक के संपादक जो हैं वो सात लोग थे, ठीक है, तो इसमें से एक कौन है मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुक्तिबोध, जबकि सात और हैं तार सप्तक के संपादक, ठीक है, संपादक सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय के उपन्यास का नाम है, यानी कि आप सभी को मालूम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, उनकी अज्ञेय इनका जो है वो सर नेम है, ऐसा कह सकते हैं, उपाधि मिली है इनको, ठीक है, तो इनका जो उपन्यास कौन सा है, ऑप्शन मिली जा रहे हैं आपको इसमें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिना देरी के मैं बता देता हूँ सी नंबर हो जाएगा, शेखर एक जीवनी, ठीक है, इनका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, जगदीश गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद अज्ञेय, बहुत ही जनरली और आइकॉनिक जितने भी सब क्वेश्चन हैं, तो जनरली आपको ये देखने को मिलते हैं एग्जाम में और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का डी, ठीक है, अज्ञेय जी हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक, 11 का हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन का मूल नाम है, नंबर एक नागार्जुन का मूल नाम है प्रताप नारायण मिश्र, वैद्यनाथ गजानंद माधव और डी नंबर धनपत राय, तो 12 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर वैद्यनाथ, ठीक है, राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर वैद्यनाथ, नागार्जुन का मूल नाम है, ध्यान रखिएगा आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि बादल को घिरते देखा किस कवि की रचना है, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, रघुवीर सहाय की, अज्ञेय की, तो बादल को घिरते देखा ये जो रचना है वो है नागार्जुन जी की, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोग रट के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन की काव्य भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली, तो इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हो सकते हैं कि नागार्जुन की हो सकती है ब्रज भाषा हो, बोलो अवधी, लेकिन इनकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं वो है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की है, नंबर एक है चित्रा, बी नंबर है परिमल, सी नंबर कामायनी, डी नंबर नदी के द्वीप, ये भी एग्जाम में यानी कि जो परसों पेपर था, यानी कि शुक्रवार और शनिवार के बीच में एक पेपर था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, यानी सारे क्वेश्चन आए थे लेकिन ये भी उसी में था, जो कि मैंने इसमें टाइप करके लिखा है, तो इनमें नागार्जुन की जो रचना है, ठीक है, वो है ऑप्शन आपको मिली जा रहे हैं चित्रा, परिमल, कामायनी, नदी के द्वीप, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने 100 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन आज इंक्लूड किए थे, उस दिन मैंने भी 10-15 क्वेश्चन बताए थे, आज भी 15 जिससे थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप और चाहते हैं कि और क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जो कि आप लोगों के लिए बनाई थी sandeepinfo.in, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।